खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां सरकारी राशन में कालाबाजारी करने का पर्दाफाश हुआ। जानकारी के अनुसार राशन दुकान डीलर पिछले 3 माह से जनता को राशन के नाम पर केवल चावल दे रहा था, जबकि राशन डीलर राशन डिपो में सुबह सरकारी अनाज भर रहा था। तभी पत्रकारों की टीम को देख राशन संचालक आनंद फानंद में डिपो का शटर बंद करके वहीं मामले की जानकारी पत्रकारों ने सहारनपुर जिला आपूर्ति अधिकारी मनीष सिंह को दी, लेकिन मामले को जांच करने क्षेत्रीय अधिकारी वहां 3 घंटे बाद पहुंचे। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब मोहल्ले वासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया 3 माह से राशन दुकान डीलर ठीक से अनाज नहीं देता है। सहारनपुर से पारस पवार की रिपोर्ट। वाला एक तो यूनिट कार्ड था सबका, हर किसी का। फिर दूसरा है ना, इस बार है ना चावल गेहूँ दोनों आए थे, सिर्फ खाली चावल चावल दिए, गेहूँ नहीं दिए किसी को भी। कभी ये कहते हैं कि कहने दिए, इस बार ये नहीं आया, इस बार ये नहीं आया, हर बार कुछ ना कुछ कम कर देते हैं। सूचना देखिए, मौके पर बुलवाया गया है तो हम यहाँ मौके पर तुरंत आए हैं, और मौके पर हमने देखा है कि ये टेम्पो है, इसका नंबर UP 11T 705 है, इसमें कुछ राशन लदा हुआ है। अच्छा, मौके पर ड्राइवर नहीं है, वो भाग चुका है, तो अभी इस प्रकरण की जांच हो रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।